जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शुक्रवार। जानेंगे शुक्रवार को क्यों नहीं खाते हैं खटाई, जानेंगे इसके व्रत रखने के फायदे। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए मित्रों, जानते हैं शुक्रवार को खटाई क्यों नहीं खाते हैं। मित्रों, शुक्रवार माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी जी का दिन माना गया है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का पूजन करके और संतोषी माता का व्रत रखकर नियम पूर्वक इस उपवास को रखने से ये देवियाँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख संपत्ति धन वैभव ऐश्वर्य स्वास्थ्य तथा स्थायी लक्ष्मी का वरदान देती है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप स्थायी लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को भी इस दिन खटाई या खट्टी चीज़ें सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से माता लक्ष्मी जी और संतोषी जी माँ नाराज हो जाती है। अतः सप्ताह का यह दिन देवी माँ से जुड़ा होने के कारण इस दिन कुछ भी खट्टा खाने से हमें बचना परहेज करना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं इस व्रत के फायदे के बारे में। मित्रों, इस दिन माता लक्ष्मी जी श्री भगवान विष्णु जी की आराधना से बहुत खुश होती है। अतः यदि आप करोड़ोंपतियों में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें, लेकिन ध्यान रखें कि खटाई ना खाएं। इससे जल्द ही धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई भी व्यक्ति धन वैभव ऐश्वर्य तथा सुख संपत्ति की कामना में यह व्रत करे तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। मित्रों, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के 8 विविध स्वरूपों के दर्शन और पूजन से धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में वैभव सुख ऐश्वर्य आरोग्य विजय और सफलता मिलती है। मित्रों, माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार से हैं। श्री धनलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी स्वरूप, माँ श्री गजलक्ष्मी जी, अदिल लक्ष्मी, माँ श्री विजयालक्ष्मी, माँ श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, माँ श्री वीरलक्ष्मी, माँ श्री धान्य लक्ष्मी और माँ श्री संतान लक्ष्मी। मित्रों, लक्ष्मी जी की कृपा जल्दी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को शुक्रवार को कम से कम 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाकर कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप देने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ण करती है। मित्रों, शुक्रवार को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दिया जलाते समय यदि इसमें रुई की जगह बाती के स्थान पर लाल रंग के सूती धागा उपयोग किया जाए तो थोड़ी केसर डालकर दीप प्रज्वलित करने से प्रभाव दिखाई देता है। मित्रों, ये थे कुछ विशेष तरह के उपायों की जानकारी और विशेष जानकारी शुक्रवार के दिन खटाई क्यों नहीं खाने चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम, जय श्री महालक्ष्मी।